नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली वर्क सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यदि आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल पाएगा, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसे ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड फार्मर। अपना यहाँ से स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ पर यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से न्यू फार्मर हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करना है। आपका स्टेटस में क्या दिख रहा है, यदि आपका स्टेटस रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, पहले आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना है। इसके लिए आपको स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डाल देना है। आपका आधार नंबर इसमें डाल देंगे, फिर नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको कैप्चा कोड इसमें भर लेना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको नीचे एक सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका स्टेटस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी। नीचे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी, जिस भी डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, 24/10/2019 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। स्टेटस में इनके रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, इनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, इस वजह से इनको पेमेंट नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका यदि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो कैसे आप अपने फॉर्म को एक्सेप्ट कराएंगे, या आपका पेंडिंग फॉर्म है तो उसको कैसे आपको एक्सेप्ट कराना है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको सिंपली नीचे यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चेक करने के बाद आपको फिर से पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर। यहाँ पर अपडेशन के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करने के लिए आपको इस पे क्लिक कर लेना है सिंपली। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और नीचे जो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको भर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय अपना मोबाइल नंबर डाला था वो नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नंबर आ, यदि आप वही नंबर रखना चाहते हैं, आपके पास वो नंबर है तो आप वही नंबर डालिए। यदि आपके पास वो नंबर जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वो खो गया है तो आप यहाँ से एडिट करके यहाँ पर दूसरा नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड इसमें अपना डाल लेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी एक भेज दिया गया है जो आपने उसमें नंबर डाला है। आपको वह ओटीपी इसमें डाल के गेट मोबाइल आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इसमें भर देना है। इससे पहले आपको जो ऊपर कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको फिर से यहाँ पर इसे कैंसिल करके दोबारा कैप्चा कोड जो दिख रहा है वही डाल लेंगे। और ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर ओटीपी डाल के इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप केवल एड्रेस चेंज कर पाएंगे, जो यहाँ पर आपका यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी विलेज से आप आते हैं अपना विलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी डिटेल आपकी भरी रहेगी, आपका नाम भरा रहेगा, आपका आधार नंबर पहले से ही भरा रहेगा। और अपना यहाँ से यदि कैटेगरी चेंज करना चाहें तो कैटेगरी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, वरना आपने कैटेगरी यदि आपकी सही भरी है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फिर नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल फिल रहेगी। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर डालना है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पर आपको भूलेख वाले ऑप्शन पे आ जाना है। भूलेख को अपना ओपन कर लेना है। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से तहसील सेलेक्ट करना है। फिर अपना विलेज,
जिस भी विलेज से आप आते हैं अपना विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर यदि आप नाम से अपना खतौनी चेक कराना चाहें तो नाम से चेक कर सकते हैं, गट संख्या है तो आपके पास गाटा संख्या आप इसमें डाल के अपना यहाँ से लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। जैसे गाटा संख्या डालेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक आईडी ओपन होकर आ जाएगी, ये आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसको आप कॉपी कर लेंगे या नोट करके रख लेंगे। यही चीज आपको, ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी है, इसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में आपको यही आईडी आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आप यहाँ से पूछ रहा है, यदि आप पीएम मानधन योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। इसमें आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है, यदि राशन कार्ड नंबर आपके पास होना जरूरी है, पहले ये अनिवार्य नहीं था, अब आपके पास राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक यहाँ पर सिंगल का एक ज्वाइंट का आपको खतौनी के डिटेल पूछ रहा है। यदि आपका सिंगल खाता है तो आपको सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यदि आपका ज्वाइंट खाता है तो ज्वाइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपने जो पहले खतौनी की डिटेल भरी थी वो सही है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यदि गलत है तो आपको यहाँ पर पेंसिल का एक आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आपके नीचे यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आप करेक्शन कर पाएंगे, सबसे पहले इसमें आपको खाता संख्या अपनी भर लेनी है, जो आपकी खतौनी से देख के आपको अपनी गाटा संख्या भरेंगे। इसमें यहाँ पर आपको खसरा नंबर अपना भर लेना है, जो आपका खतौनी में लिखा होगा वहां से आप खसरा नंबर डाल लेंगे। फिर आपको टोटल एरिया यहाँ से डाल लेना है, फिर नीचे आपको यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल आपको भरनी है। लैंड ट्रांसफर डिटेल, किस तरीके से आपको जमीन मिली है, आपने परचेज किया है या आपके फादर की डेथ के बाद आई है आपके पास, या आपके पास अपने गिफ्ट में मिली है जो है अपना फादर के बाद आई है, तो अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर ट्रांसफर डेट, जिस भी डेट में आपके पास जमीन आई है आपके नाम हुई है, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी डेट में आपके साथ आई है। फिर आपको यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस बताना है, 2019 से पहले आई है या 2019 के बाद आपके पास जमीन ट्रांसफर हुई है आपके नाम, वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। यदि पहले हुई है तो बिफोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यदि बाद में हुई है तो आपको आफ्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर नीचे आपको यहां पर ओनर का आधार नंबर डाल देना है, जिसके नाम जमीन है उसका आधार नंबर इसमें डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको सामने यहाँ पर एक अपडेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लैंड, यहाँ पर अपलोड सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आपको अपनी लैंड मतलब खतौनी की फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, जिसका साइज 40 KB से कम होना चाहिए तभी अपलोड होगा, वरना ये अपलोड नहीं होगा। आपको यहाँ से अपनी खतौनी अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सेव का एक बटन मिलेगा, आपको यहाँ से अपना डाटा सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से स्टेटस, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर योर फार्मर आईडी, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड जो है अपडेट हो चुका है, जो आपका वहां पर दिखा रहा था रिजेक्ट, वो आपको यहाँ पर आप पेंडिंग दिखाने लगेगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेटस जाके चेक करेंगे तो आपको पेंडिंग दिखाएगा। आपको इसकी एक स्लिप निकाल लेनी है जो पेंडिंग स्टेटस का है। इसके बाद उसमें आपको आधार कार्ड और खतौनी इसे कैसे आपको अप्रूव कराना है, इसके लिए आपको अपनी बैंक की जो खतौनी की कॉपी है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये चीज आपको ले जाकर अपने ब्लॉक में जमा करा देना है। ये 10 से 12 दिन के अंदर आपका फॉर्म एक्सेप्ट दिखाने लगेगा। अभी तो आपको जैसे आपने सबमिट सेव किया है आपका रिकॉर्ड वहां पर पेंडिंग दिखाने लगा, जो रिजेक्ट दिखा रहा था वो पेंडिंग दिखा रहा है, और ये 10 से या 12 दिन के बाद जमा करने के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट दिखाने लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।